नेटगियर A15 गेमिंग माउस फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है और ये 399 में पड़ा था मुझे। कूपन ऊपन मिल गया था मेरे को काफ़ी अच्छा, तो काफ़ी अच्छे रेट पे मुझे मिल गया। DPI रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600, 3200, 6400। लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है ये। स्टिकर भी मिलेगा आपको एक नेटगियर का, ब्रिडेड केबल के साथ आता है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें साइड बटन्स भी है दो ठोक। DPI एडजस्ट में यहाँ पे आप कर सकते हैं DPI एडजस्ट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है ये, काफ़ी सही लगा मुझे 399 में ये। 400 का सबसे मतलब बेस्ट गेमिंग माउस माना जाता है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। Redgear का मेड इन चाइना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सेंसर है और यहाँ पे लिखा हुआ है Redgear A15 गेमिंग माउस। A15 सबसे ज़्यादा चलता है और भी इसके जो वो वेरियंट आते हैं दूसरा मॉडल भी आता है इसका, लेकिन A15 सबसे ज़्यादा बिकता है। एडजस्ट कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं, इसकी लाइट्स को ऐप से ही आप कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इसका आता है PC के लिए, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं इस माउस की और इस लाइट्स को भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये था मेरा Redgear गेमिंग माउस का अनबॉक्सिंग रिव्यू। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।